तक ना जमीना तुम्हारा मैं ठिकाना। बांग्लादेश में आप लोग जाने जो बांग्लादेश में अभी जो गवर्नमेंट है ये अवैध गवर्नमेंट है, इसका कोई राइट नहीं है। तो हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास आया यहाँ पर उन लोगों को जानने के लिए जे आप बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, इलीगल गवर्नमेंट, डॉक्टर यूनुस जिसका प्रधान है, चीफ है, तो उन लोगों का ऊपर प्रेशर किया करे लोग जो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का खिलाफ काम हो रहा है, खून हो रहा है। फिर हम लोग चाहता हूँ जे शेख हसीना हमारा प्राइम मिनिस्टर जी अभी इंडिया में है, हम लोग उनको आपूस चाहता हूँ हमारा बांग्लादेश में, बांग्लादेश से। We are raising voice against the Yunus regime because this Yunus regime, they are depending on the Islamic extremism. Bangladesh is now going destroyed. Every day, every night is killing, brutally torture and killing our justice, writer, human rights defender, our general peoples, our mass peoples and the Awami League activities. They are very, very tortured by the Yunus regime. आज हम लोग यहाँ जाति संघ ह्यूमन राइट काउंसिलर हेड ऑफिस के सामने खड़ा हुआ हूँ। यूरोप का सब देश से हमारा साथी बंधु यहाँ आया, बांग्लादेश का सभी बांग्लादेश का सिटीजन हूँ हम। बांग्लादेश में आप लोग जाने जो बांग्लादेश में अभी जो गवर्नमेंट है ये अवैध गवर्नमेंट है, इसका कोई राइट नहीं है पावर में थका। इलेक्टेड गवर्नमेंट था, शेख हसीना था प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। सारा देश में हमारा जो दुश्मन, हमारा आज़ादी का जो दुश्मन, स्वाधीनता के जो दुश्मन, वही लोग इकट्ठा हुए होके उन लोगों का जो मुरब्बी है बाहर का, वो लोगों का मदद से बांग्लादेश में अभी खून, हजारों किस्म का लफड़ा कर रहा है, मानुष का शांति में गुमाने नहीं दे रहा है, वहाँ पर लूट हो रहा है, खून हो रहा है, वो लोग जाओ मर्जी सब कुछ कर रहा है। 1971 में हम लोग आज़ादी मिला, आज़ादी का जितना निशाना है फ्रीडम फाइटर का, सब उन लोग मिठा के दे रहा है साथ, वो लोग डूट के आज़ादी का फेवर का जो सिटीजन है सबको मर रहा है। आज के बांग्लादेश का मानुष अशांति में है, लीड भी आराम हो गया आम जनता को। तो हम लोग अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास आया यहाँ पर वो लोगों को जानने के लिए जे आप बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, इलीगल गवर्नमेंट, डॉक्टर यूनुस जिसका प्रधान है, चीफ है, तो उन लोगों का ऊपर प्रेशर किया करे लोग जो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का खिलाफ काम हो रहा है, खून हो रहा है। तो ये सब पार्टी का आवामी लीग जे पार्टी का लीडरशिप में बांग्लादेश आज़ाद हुआ वही पार्टी का
मेंबर को दौड़ के खून कर रहा है, इच्छा बंद करे। और हमारा ये बात है, हम लोग चाहता हूँ जे शेख हसीना हमारा प्राइम मिनिस्टर जी अभी इंडिया में है, हम लोग उनको आपूस चाहता हूँ हमारा बांग्लादेश में, बांग्लादेश से जे तरक्की किया जे पथ में जा रहा था से पथ में आबारू चले शेख हसीना लीडरशिप में, ये हमारा कामना है, हमारा प्रार्थना है। जय बांग्ला, जय बंगबंधु, जय शेख हसीना। Today we are Bangladesh diaspora in front of the United Nations in Geneva. We are raising voice against the Yunus regime because this Yunus regime, they are depending on the Islamic extremism. Bangladesh is not a country for the secular. Bangladesh is going on the Islamic extremism and terrorism. Very soon we have a lot of news in international journal, Bloomberg, Daily Finland, and others, all of journal are raising the voice that Bangladesh in now the attack of the Islamic extremism. Bangladesh, we are in the 57th regular session in human rights session. We are raising voice. The Sheikh Hasina, she was the prime minister of last elected. She will be come back soon in the Bangladesh and take the power of the Bangladesh, because Bangladesh is now going destroyed. Every day, every night is full killing, brutally torture and killing our justice, writer, human rights defender, our general peoples, our mass peoples, and the Awami League activities. They are very, very tortured by the Yunus regime. So we are raising voice against the Yunus, should be go back from the country, and we would like to say the United Nations have to make the resolution against the United Nations, against the UNIS government.